प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि राम संकीर्तन की। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तदना रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्तं पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे एष सुन्नवादी पश्यति सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत श्लोके
भक्ति श्लोके भक्तिर भवति नष्टिके भक्तिर भवति नष्टिके भागवतम प्रथम स्कंद 14 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 11 उर्वशी बाहवो मह्यम उर्वशी बाहवो मह्यम स्फुरन्तं ग पुनः पुनः स्फुरन्तं ग पुनः पुनः विपुतश्चापि हृदये विपुतश्चापि हृदये आराधयन्ति पथुश्चापि हृदये आराध्यसन्ति विप्रियम् आराध्यसन्ति विप्रियम् पढ़िए माताजी। हरे कृष्ण। उर्वशी बाहवो मह्यम् उर्वशी बाहवे मह्यम् अस्फुरन्त्यङ्गं पुनः पुनः स्फुरन्त्यङ्गं पुनः पुनः विपतुश्चापि हृदये विपतुश्चापि हृदये आराध्यन्ति विप्रियम् आराध्यसन्ति विप्रियम् अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे मेरे शरीर का बायां भाग मेरी जांघें भुजाएं तथा आंखें बारंबार खड़क रही भय से मेरा हृदय धड़क ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। तात्पर्य जय प्रभुपाद। यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है और हम यह नहीं देख पाते हैं कि अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है। जब किसी मनुष्य की जांघें भुजाएं तथा आंखें लगातार फड़के यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दवाग्नि से की जाती। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता फिर भी यह आग स्वतः लग जाती जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है जो अग्नि का समन करने के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। समन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। इसी प्रकार किसी भी योजनाएं क्यों न बनाई जाए जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती है जिसके निमित्त भगवान अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आज का हमारा श्लोक है 11 नंबर श्लोक। तो चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी आ गए हैं बताने की कृपा करें प्रभु जी कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था। क्या रे बाबा, इसीलिए प्रभु जी को मैं बोला था पहले तो। कल
प्रभु जी आपने बताया था कि कोई भी काम जो है केवल अपने मेहनत से या मेहनत के बल पर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भगवान की कृपा दृष्टि जो है बहुत जरूरी है। भगवान के कृपा के बिना हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। और बहुत कुछ बताए थे प्रभु जी, ठीक है। हमारे उमा शंकर प्रभु जी बोलेंगे कल की क्लास में क्या चर्चा हुआ था, एक दो पॉइंट। लेफ्ट नहीं किए वो हाइड हो, तो चलिए विभा माता जी बोलेंगे, हाइड करके रखें। हरे कृष्णा, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। कल का श्लोक में 9 और 10 का कल हुआ था पाठ, तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंताग्रस्त हैं कि अर्जुन को भेजे हैं तो अर्जुन कोई वहां से समाचार लेकर के नहीं आए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को तो एक शुद्ध भक्त थे, तो उनको सब कुछ पता था। नारद मुनि तो पहले से अवगत करा दिए थे कि भगवान जब यहाँ से अंतर्ध्यान होंगे तो कलयुग का आगमन होगा और क्या क्या उनके लक्षण दिखेंगे। तो अभी तो अर्जुन आए नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ये सारे लक्षण अपशगुन सब दिखने लगे, इसलिए वो बहुत चिंतित हो रहे कि जब भगवान, हो सकता भगवान नहीं है तो भगवान ही नहीं रहने से हमें रहने का क्या लाभ है, हमें जो इतने दुखों से बचाए, इतनी जो संपदाएं हमें मिली, इतना सुंदर परिवार, इतना पुत्र, संगे संबंधी जो भी हमें आज मिला है, जिसके चलते हम आज आनंद पूर्वक अपने घर में रह रहे हैं, वो सब भगवान की ही तो कृपा थी। तो आज भगवान हमें दे करके नहीं है तो हमें भी नहीं रहना चाहिए, यदि भगवान नहीं है तो इस प्रकार से वो बहुत दुखित हो रहे हैं। अर्जुन आए नहीं है, लेकिन वो अपने अनुभव से ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि उनको तो सटीक समाचार अभी मिला नहीं है। तो ऐसे ऐसे सोच करके युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान का भक्त जो है ना, भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है तो वो बहुत बड़े राजा होते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति करती है तो मुक्ति भी जो है ना, उनके चरणों की दासी बनकर के तैयार रहती है। भक्त का जो आज्ञा हो वो करने के लिए तैयार है कि आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप तो मेरे मालिक का, कृष्ण, भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे हो और मुक्ति तो मैं तो उनकी दासी हूँ, इसलिए सदैव भगवान पर तत्पर रहती है और लक्ष्मी देवी भी सदैव उनके पास रहने के लिए तैयार रहती। तो इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है उस पर भगवान की सदैव अपनी कृपा बनी हुई रहती है, सदैव भगवान उस पर अपना नजर रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में यदि कोई भी अच्छी कार्य हो रही है, कुछ भी लाभ हो रहा है, कुछ भी बहुत बड़े काम हो रहे हैं जिससे हमारे समाज में मर्यादा मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें भगवान को सदैव धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आप ही की कृपा से ये हुई है और आज जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, जो भी समाज में हमारी कुछ भी है वो आप ही की कृपा से है। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि जो चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो उसे हमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए या अपने पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें भगवान को दोषी नहीं देना चाहिए कि भगवान हम जो मांगे वो नहीं दिए, क्योंकि भगवान वही देते जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो भगवान सदैव भक्त को चिंतन करते हैं, सदैव सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अच्छे भक्त होते हैं ना, हर एक कार्य में भगवान को अपने ऊपर कृपा समझते हैं कि भगवान के द्वारा हुआ, भगवान ही किए, हम नहीं कर सकते हैं कुछ, भगवान किए हैं, भगवान का आशीर्वाद है तब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है।
इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज सदैव भगवान को ही अपना श्रेय दे रहे कि भगवान ने ही हमें ऐसा कृपा प्रदान किया जो कि आज हम इतने सुंदर सब परिवार रह रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं है उसका जीवन निष्फल है। जैसे कि प्रभु जी ने उदाहरण में बताया कि जैसे कौरव पांडव रावण, रावण तो भगवान का शिव का भोले बाबा का बहुत सुंदर भक्ति करता था, लेकिन भगवान विष्णु उसके हृदय में नहीं थे। सोने का घर में रहता था, सोने की लंका थी, परंतु लास्ट में उसे कुछ नहीं मिला। 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता, खुद अपने सब चला गया, लेकिन उसे कुछ तो मिला नहीं। इस प्रकार से हमें शास्त्रों का निचोड़ से ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु राम कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है, हमें इनकी भक्ति करनी चाहिए और सदैव भगवान की कृपा का महसूस करना चाहिए कि भगवान की कृपा से सारी चीज हो रही है। एक उदाहरण प्रभु जी ने डॉक्टर का भी दिया था, डॉक्टर और मरीज का, कि कोई मरीज बीमार होकर के यदि अस्पताल में जाता है तो चाहे उसे बड़ा सर्जरी करना होता है या चाहे जो कुछ भी करना होता है तो डॉक्टर करता है, लेकिन जब तक उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक वो ठीक नहीं कर सकता है। नहीं तो अस्पताल में तो सब ठीक होने के लिए जाते हैं, तो सारे मरीज ठीक होकर के घर वापस आते, कोई मरता नहीं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उदाहरण के लिए प्रभु जी ने तो बहुत उदाहरण बताया, प्रभुपाद का उदाहरण बताया कि प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए सिर्फ, लेकिन आज विश्व में हर जगह हर क्षेत्र में उनका नाम है, कौन नहीं जानता है उनको, अच्छे अच्छे भक्त, अच्छे अच्छे संप्रदाय के लोग जानते हैं। कहीं भी किसी भी कुछ भी एक कथा प्रवचन में हम लोगों ने देखते हैं कि एक बार जरूर प्रभुपाद के बारे में चर्चाएं आती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है। तो 10 नंबर श्लोक में बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज बता रहे भीम को कि इस प्रकृति में बहुत सारी आपदाएं दिखने लगी है। तो इस आपदाएं का दिखने का मतलब है कि प्रकृति में विपरीत परिस्थितियां आ रही है, जरूर भगवान श्री कृष्ण यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं, अपने धाम को लगता है चले गए हैं। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान नहीं रहने से ही हमें दुखी मिलती है। यदि जो व्यक्ति भगवान के को ग्रहण कर लेता है, उनके प्रति अपना शरणागति हो जाता है, तो वो भक्त दुखी नहीं होता है। जिसे प्रभुपाद तात्पर्य में 3 प्रकार के जो दुख बताए हैं, वो बोलते हैं कि 3 प्रकार का जो दुख है उसे भक्त कभी भी अविचलित नहीं होता है, उसे अपनी भगवान की कृपा समझ करके सहता है और उसको पार करता है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति जो करता है वो भक्त सदैव ही भक्ति पथ पर अग्रसर रहता है। तो इसलिए हमें जो है सिर्फ भक्ति करने से नहीं होगा। प्रभु जी कल बड़ी सुंदर बात बताया कि खाली हमें भक्ति करने ही करना हो, खाली हम भक्ति करें, मंत्र जाप करें, मंदिर जाए, हमें जो है शास्त्र के नियम के अनुसार भक्ति करना है। जैसे शास्त्र में 4 नियम बताए गए हैं, प्रभुपाद बहुत इस 4 नियम हमको दिए हैं, इस 4 नियम का पालन करना है। जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी हम भक्ति कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आहार लेंगे तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो हम अपना भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। और प्रभु जी तो बहुत उदाहरण, कल का उदाहरण इतना है कि नहीं बोल सकते हैं कि भगवान अमेरिका जो आज इतनी संपन्न है, सभी देशों में इतने संपन्न गिने जाते हैं अमेरिका, तो क्यों है? क्योंकि वहां पर कृष्ण भक्ति है। आज भी यदि अमेरिका बोल दे, प्रभु जी बता रहे थे यदि भक्ति छोड़ दे तो वहां भी कुछ नहीं होगा, वो भी भिखारी बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कल का श्लोक का, कल का क्लास का था सब मिला जुला के कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज खुद वर्णन कर रहे हैं, अपने मुख से बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों की वाणी खुद भगवान की वाणी होती है। क्योंकि भगवान सामने से आकर के हम लोगों को नहीं बोलेंगे। आज का भी तात्पर्य में पढ़े तो बता रहे हैं कि अपने शुद्ध प्रतिनिधि के द्वारा हमको संदेश भेजते हैं कि ऐसे करना है। तो युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण भक्त नहीं है, खुद बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से हमें इतने सुंदर पत्नी परिवार बाल बच्चा, इतनी सारी सुविधाएं मिली है। तो जिस जीवन में भगवान ही नहीं है, जब इस धराधाम पर भगवान ही नहीं है, तो इस आत्मा से क्या मतलब? जब आत्मा तो परमात्मा के साथ ही रहती है, तो इस प्रकार से है भी लग रहा है कि भगवान अब इस धराधाम में नहीं है। तो इसलिए कल का निचोड़ से प्रभु जी का हमें तो भगवान श्री कृष्ण की सदैव भक्ति करना चाहिए और सर्वदा भागवतम का सेवन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
तो बहुत सुंदर माता जी प्रेजेंटेशन किए कल के क्लास का। तो आज का जो हमारा श्लोक है 11 नंबर, वो श्लोक इस प्रकार है, हम लोग जो अभी पढ़े, युधिष्ठिर महाराज भीम को कल से बताना शुरू किया कि कुछ कुछ अपशकुन मुझको दिखाई दे रहा है जो अच्छा नहीं है। आज के श्लोक में बता रहे कि मेरा बायां आंख फड़फड़ा रहे, मेरी आंखें बारंबार फड़फड़ा रहे, शरीर का बायां भाग, मेरी जांघे भुजाएं सब हिल रहे हैं, भाई से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। ये चीज हम लोग जानते हैं, बायां भाग जो पुरुष होते हैं तो उनका बायां भाग अगर हिले या कुछ फड़के तो एक चीज संकेत देता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। पुरुष का अगर बायां आंख नाचे तो भी अनिष्ट होता है। एक महीना मेरा बायां आंख नाचे फिर मेरी नानी मर गई, एक महीना पहले से मैं सोच ही नहीं पा रहा था। बहुत सारे भक्तगण ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी जो कबूतर का पंख होता है उसको यहाँ पे लगाओ तो ये नाचना बंद कर देंगे, विभिन्न प्रकार से तरीका। एक महीना नाचे थे, जब 2008 में मैं परीक्षा दिया मैट्रिक परीक्षा, तो रिजल्ट आने वाला है कल परसों, परसों रिजल्ट आने वाला है, तो दो दिन पहले ही मेरी नानी का देहांत हो गया। ठीक है, तब मुझे पता चला कि ये अनिष्ट होने वाला था इस, और जब जैसे ही मर गई आंख नाचना भी बंद। तो ये कुछ कुछ है संकेत देता है, हम लोग अपने लाइफ में अपने दैनिक जीवन के अनुभव के द्वारा भी देख सकते हैं। और तीसरा बात है दिल धड़कना। जब आप कुछ गलत करेंगे ना, हृदय ऑटोमेटिक आपका धड़क 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 करता रहेगा। आजकल मेरा नहीं धड़कता, लेकिन पहले बहुत धड़कते थे क्योंकि पहले बहुत गलती करता था। गलती करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके हृदय में धड़कना शुरू होगा, या तो कोई मारपीट होगा या कोई गाली देगा या कुछ तो कुछ होगा। तो ये संकेत है धड़कना। तो ये धड़कना बंद कैसे हुआ, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति करने से दो चीज मिट जाता है। पहले जैसे एक पौधा है, मतलब एक बीज है, बीज को अगर बोया जाए उसमें से एक पौधा निकलेगा, तना दो पत्ता। जैसे आम का हम लोग देखें ना, आम का गुठली जब हम लोग डाल देते हैं तो वहां से गुठली से एक पौधा निकलता है, फिर वो दो भाग में विभक्त होता है दो। उसी तरह ये भक्ति करने से, भक्ति रूपी बीज जब हमारा निरूपण हो जाता है तो पहला होता है क्लेशाग्नि, दूसरा होता है सुभदा। क्लेशाग्नि मतलब ये मानसिक, जैसे उमा शंकर प्रभु जी को बोलते प्रभु जी क्यों ओवर व्यू नहीं दे रहे, प्रभु जी आप क्या समझते कैंसर हुआ मेरे भैया का, मेरा टेंशन है वो बहुत, प्रभु जी आप क्यों नहीं श्लोक बोलते हैं, प्रभु जी कल पटना गए थे ना, अच्छा प्रभु जी आप क्यों नहीं ओवर व्यू देते हैं, मेरा गला में दर्द है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार का मानसिक असंतुलन या मानसिक क्लेश, ये शांत होगा कब, जब हमारा भक्ति का उदय होगा, क्लेशाग्नि नाश होगा, क्लेश का नाश, सुभदा मतलब स्पीशियसनेस प्रकट होगा। तो भक्ति करने का ये लक्षण है। हमारे जीवन में अगर क्लेशाग्नि का नाश हो चुका होगा, प्रभु जी क्लेश नाश कैसे होगा करने दीजिए, उसके बाद बोलना है। हमारे जीवन में क्लेशाग्नि अगर नहीं है, हमारे जीवन में अगर आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा है, तो इससे पता चलना चाहिए कि कृष्ण कृपा कर रहे हैं या भक्ति हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का लक्षण है आनंद। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे भौतिक जीवन में हम लोग आनंद के लिए, आज सुख के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन गधा गोबर की तरह थक जाते हैं, फिर भी कुछ आनंद नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक आनंद क्या चीज है, ये क्या है, सूर्य की किरण की तरह। सूर्य की रोशनी जैसे आप न चाहते हुए भी आप लाइट जलाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे,
लेकिन फिर भी आपको अंधकार में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का मतलब ही है किरण, प्रकाश, प्रकाशमय। तो भक्ति अर्थात कृष्ण का मतलब ही आनंद देना। कृष्ण भक्ति में आ गए मतलब आनंद न चाहते हुए भी आएगा, ये स्वभाव है भक्ति का। भक्ति का स्वभाव ही है आनंदमय जीवन प्राप्त करना न चाहते हुए भी। तो उसी प्रकार जैसे सूर्य का किरण, हम लोग अगर सूर्य का किरण के सामने रहेंगे नहीं चाहेंगे बट स्टिल हम लोग को अंधेरा नहीं दिखाई देगा कभी, बस हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। तो भक्तिमय जीवन या कृष्ण भावना में या कृष्ण का संग ये आनंद है, और आनंद हम लोग ना चाहते हो भी आनंद प्राप्त होता, ये है गुरु महाराज का कहना। तो जो जो विषय वस्तु जो है, मैटर जो है, युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ पे ये सब संकेत फील कर रहा है, तो इससे क्या दूसरा अभिप्राय निकलेगा? तो प्रभु जी क्या युधिष्ठिर महाराज भक्ति नहीं करते थे जिसके कारण उसका ये क्लेश आगमन हुआ? नहीं, इसका दूसरा कारण ये है कि भक्ति किए है इसका फलस्वरूप उन लोगों को कृष्ण प्राप्त हुआ, और भक्ति का दूसरा फल ये है, भक्ति का दूसरा फल इस भैतिक जगत में आनंद भोगना नहीं है। भक्ति का सटीक फल है भगवत धाम गमन। तो भगवान चले गए, अभी भक्तगण भी जाएंगे उनके पीछे पीछे भगवान के धाम में, ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे दो, नारियल, एक नारियल है, नारियल वृक्ष लगाए, बड़ा हुआ, डाब हुआ, डाब से नारियल बना, या आप बाजार से जाके खरीद के लाए ना, तो नारियल के ऊपर क्या रहता, बहुत सारा बाल, बहुत सारा बाल रहता है। फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पिंजरा के अंदर अंदर में रहता है वो अमृत, जिसको हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बाल को भी खाते हैं या सिर्फ अंदर वाला जो अमृत है उसको खाते हैं? खोपड़ा को खाते हैं? नहीं, खोपड़ा को नहीं खाते, उसका खोपड़ा को खाते हैं। क्या खोपड़ा? खोपड़ा क्या चीज है? वो अंदर से जो वाइट वाइट, वो हमारे बंगाली में सांस बोलते हैं, सांस, सांच, ओके, जो भी है खोपड़ा। तो खोपड़ा के ऊपर क्या है? नट्टी, और उसके ऊपर बाल, वो बाल है। तो अगर बोले नारियल बाबा 40 रुपया देके खरीद के लाया, मुझे तो खाना है पूरा, तो क्या करेंगे? नारियल पैसा देके खरीद, इसका मतलब क्या बाल भी खाएंगे और वो नट्टी भी खाएंगे? खाएंगे मां शंकर प्रभु जी? नहीं खाएंगे। हम लोग क्या चीज खाएंगे? अंदर वाला चीज। तो भक्ति जो है ना, अंदर का नारियल खाएंगे प्रभु जी। हाँ, तो भक्ति जो है ना, तो भक्ति का जो फल है, भक्ति का फल ये बाल में नहीं है, भौतिक जगत में नहीं है, भक्ति का फल वो नट्टी में नहीं है, भक्ति का फल है वो अंदर वाला सांच में, खोपरा, वो नारियल में, वो खाना। तो भक्ति का फल वो खोपरा का उदाहरण क्या है? भगवत धाम। और वो बाल का उदाहरण क्या है? ये मेटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत। तो भक्ति के, समझ गए एग्जाम्पल, कि भक्ति का फल भगवत धाम में है, भक्ति का फल यहाँ पे नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव, ये लोग जो भक्ति की, इसका फल कहाँ पर है? ये जो ये सब अपशकुन हो रहा है कि नाक, बायां आंख फड़फड़ा रहे, बायां अंग फड़फड़ा रहे, ये सब, ये जो लक्षण यद्यपि टेम्पोरारीली अशुभ दिख रहा है लेकिन मूल रूप से शुभ होने वाला है, क्योंकि वो सभी भगवत धाम गमन करेंगे, ठीक है? तो हमारे जीवन में भी हम लोग अभी हो सकता है कोई बहुत ही कष्टमय परिस्थिति में है, और क्या प्रभु जी आप तो सुखी है, उमा शंकर प्रभु जी का उदाहरण, आप तो सुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ, सब समय ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ता है। अरे बाबा ठीक है, इससे तो पता चल रहा है कम से कम ये भौतिक जगत है, ये सुख का संसार नहीं है, ये तो अनुभव कम से कम हो रहा है, इससे तो और अच्छा है भगवान का याद किया जाए, भगवान को याद करें, हाँ हे प्रभु मुझे यहाँ से आप उद्धार कीजिए, ठीक है? एक मिनट के अंदर ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो
तो हे प्रभु आप हमें यहाँ से उद्धार कीजिए। तो ये अच्छा है, अच्छा पॉइंट है। तो हर परिस्थिति में हम लोग इस प्रकार कृष्ण को चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज जो भीम को बोल रहे हैं यहाँ पर कि पता नहीं रे भीम ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वही उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाभ दी जाए।